घंटे तक। एट द एंड ऑफ द डे आपको लग गया कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की, बट उन 12 घंटों में से आपके 3.5 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव होंगे। एंड आप एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोलो, अगर आपके सिलेबस में है बोर्ड के, आपने एक पेज पढ़ लिया एनसीईआरटी का, कोई सा भी रैंडम पेज खोला आपने, कोई सा भी पेज पढ़ लिया, तो आपके उसमें से 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे प्री बोर्ड में मैथ्स में 47 मार्क्स थे, एंड मैं अपने बोर्ड्स की बात मार्क्स बताऊं तो मेरे बोर्ड में मैथ्स में 95 मार्क्स थे। पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है एंड आप मेहनत करने के बाद 95% ले आते हो, तो आप ये केस सोचो कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप 95% ले आए, तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में आप एक नेक्स्ट लेवल चीज़ कर लोगे।